हेलो हेलो एवरीवन गुड इवनिंग राम राम जय हिंद नमस्ते सतरीकाल भाई सभी को कैसे हैं आप सभी एक बार वॉइस वीडियो चेक करके जरूर बताना जी गुड इवनिंग भाई वेरी गुड इवनिंग राम राम भाई जय हिंद सभी को हेलो सर गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग भाई वेरी गुड इवनिंग सभी को कैसे हैं आप सभी एक बार वॉइस वीडियो चेक करके बताइए ठीक ठाक चल रहा है सारा कुछ ठीक ठाक हो सारे गुड इवनिंग भाई वेरी गुड इवनिंग आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कुछ क्वेश्चन रहेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिला करके रहेंगे वैसे इसमें हार्डवेयर हार्डवेयर लिखा मेरे ख्याल से ना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला करके क्वेश्चन रहेंगे अच्छा दोनों ही लिखा फिर तो ठीक है हार्डवेयर के भी और सॉफ्टवेयर के भी दोनों के मिला करके मिक्स क्वेश्चन कुछ रहने वाले हैं भाई और इसमें अपनी बुक निर्मल पब्लिकेशन से भी क्वेश्चन रहने वाले हैं अपनी जो बुक है ना निर्मल पब्लिकेशन की निर्मल पब्लिकेशन की जो अपनी बुक है उसके भी क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं भाई ठीक ना, है ना हार्डवेयर वाले टॉपिक के जिस पे बुक को खोल के मत बैठियो कभी उत्तर देख देख के बताते रहो ठीक है ना तो निर्मल पब्लिकेशन की बुक के क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं भाई ठीक है जी वीडियो अटक रही ना ना वीडियो तो बिल्कुल ओके okay भाई लेट्स बिगिन हाँ जी बिल्कुल करिए चलो करिए शुरुआत करिए चलिए जिसने वीडियो को लाइक लुइक ना करे हो तो लाइक लुइक वाला बटन देख लियो संभाल लियो सारा सौदा जी हमें ठीक है मैं करता हूँ शुरू राम राम भाई सारे ने राम राम जय हिंद भाई चलो आ जाओ पहले क्वेश्चन की तरफ पहला क्वेश्चन आपका कहता है क्या कहता है वीडियो अटक रही है ऐसा ही है क्या वीडियो देखिए एक बार वीडियो तो नहीं अटकनी चाहिए भाई वीडियो तो नहीं अट अटकनी चाहिए भाई क्लास रुक रुक कर चल रही है ऐसा तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मेरी तरफ से ओके चल रहा है भाई सब कुछ आपका नेटवर्क चेक करो एक बार यहाँ से तो बिल्कुल सारी चीज़ें ओके चल रही हैं एक बार आप अपनी तरफ से चेक करो आप अपनी तरफ से चेक करो भाई यहाँ से सब कुछ ओके चल रहा है करना एक बार चेक एक बार अपनी तरफ से चेक करना सभी ओके है जी नो बफरिंग ठीक है सर ओके है जी ओके है जी सर नमस्ते नमस्ते भाई नमस्ते भाई सारे ने नमस्ते हाँ जी ओके चल रही है बिल्कुल ओके चल रही है भाई यहाँ से भी ओके चल रही है बिल्कुल यहाँ से भी बिल्कुल ओके चल रही है भाई क्लास तो ठीक है चलो सारे बता दिए फिर मिलकर ठीक है देखो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल बिटवीन कंपोनेंट टू मदरबोर्ड थ्रू कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन जो है कंपोनेंट में ट्रैवल करती है किसके माध्यम से ट्रैवल करती है किसके माध्यम से कंपोनेंट में इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है जो मदरबोर्ड होता है मदरबोर्ड के अंदर जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे दाएं से बाएं जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है तो वह किस माध्यम से ट्रैवल करती है सीमोज़ के माध्यम से ट्रैवल करती है बसेस के माध्यम से ट्रैवल करती है बेज़ के माध्यम से ट्रैवल करती है फ्लैश मेमोरी के माध्यम से ट्रैवल करती है ठीक है तो सीमोस क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर मेमरी है भाई सीमोस क्या है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर है भाई। CMOS। पता ही CMOS का तो आपको नहीं पता तो आप लिख लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर भाई ठीक है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर मेमरी तो ये क्या होता है इन्फॉर्मेशन जिसके माध्यम से ट्रेवल करती हैं इन्फॉर्मेशन मतलब डेटा डेटा मतलब बिट और बिट ट्रेवल करती हैं बस के माध्यम से किसके माध्यम से वे? बस के माध्यम से बिटें ट्रेवल करती हैं किसके माध्यम से ट्रेवल करती हैं बिट्स बस के माध्यम से ट्रैवल करती हैं बस कितने प्रकार की होती हैं बस कितने प्रकार की होती है और जो पहले बस होती थी वो कौन सी होती थी पहले बस होती थी बैक प्लेन बस कौन सी बस होती थी बैक प्लेन बस होती थी इसको बैक बोन बस भी कहा गया बैक बोन बस भी कहा गया और इसको जो है दो प्रकार से लिया गया एक तो कहा गया कि इंटरनल बस है इंटरनल बस इसका दूसरा नाम बता दो कमेंट करके और एक कहा गया एक्सटर्नल बस है कौन सी बस है एक्सटर्नल बस है भाई इसका भी दूसरा नाम बता दो इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस दोनों का नाम बता दो फटाफट फट फट बता दो फटाफट फट फट आने दो फटाफट इंटरनल बस का क्या नाम है एक्सटर्नल बस का क्या नाम है इंटरनल बस को कहा गया सिस्टम बस क्या कहा गया सिस्टम बस एक्सटर्नल बस को क्या कहा गया एक्सपेंशन बस क्या कहा गया एक्सपेंशन बस कहा गया कहा गया कि नहीं कहा गया बिल्कुल कहा गया और तीन प्रकार की बस कहा गया कौन सी कौन सी बस कहा गया एड्रेस बस कहा गया डेटा बस कहा गया और आपका कंट्रोल बस कहा गया भाई एड्रेस बस डेटा बस और कंट्रोल बस एड्रेस बस एड्रेस लेकर जाती है डेटा बस डेटा लेकर जाती है और कंट्रोल बस कंट्रोल लेकर जाती है बात समझ में आई सभी को जी गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग रवीश गुड इवनिंग स्वागत है आपका क्लियर होगी बात सभी को और फ्लैश मेमोरी तो आपको पता ही है फ्लैश मेमोरी क्या होती है फ्लैश मेमोरी जो होती है आपकी उसमें एस एस डी शामिल है उसमें आपकी पेन ड्राइव शामिल है क्या शामिल है पेन ड्राइव शामिल है और उसमें आपकी मेमोरी कार्ड शामिल है क्या चीज़ शामिल है मेमोरी कार्ड शामिल है एसएसडी क्या होती है एसएसडी होती क्या है एसएसडी होती है आपकी सोलिड स्टेट ड्राइव सोलिड स्टेट ड्राइव जो होती है ये आपकी नई टेक्नोलॉजी की ड्राइव होती है क्या होती है नई टेक्नोलॉजी की ड्राइव है हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके आई है एचडीडी को रिप्लेस करके आई है मार्केट में फास्ट होती है और कॉस्टली होती है यानी कि महंगी होती है क्योंकि ये सेमीकंडक्टर के टाइप की होने शुरू हो गई है इसलिए महंगी होती है क्या होती है महंगी होती है बात क्लियर हुई समझ में आई चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं कह रहे कि एक ये क्वेश्चन आ गया प्रोटोकॉल का वैसे इंटरनेट से संबंधित एक दो क्वेश्चन वैसे डल गए भाई कोई बात नहीं देख लो इनको भी देख लो क्या दिक्कत है देखो इनको भी तो क्या कह रहा है इसमें ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है भाई अच्छा हाँ थोड़ी थोड़ी बीच में क्लास मेरे ख्याल से रुक रही है कोई ना इसका भी इलाज करेंगे भाई एक बार देखो इसको मैं इसका थोड़ा सा इलाज कर देता हूँ तब तो तक देखो इसको थोड़ा अगला क्वेश्चन देखिए तब तक इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है चलिए अब मेरे ख्याल से बिल्कुल सही चलेगी ओके चलेगी मेरे ख्याल से ना अब देख लेना अब थोड़ा सा कुछ बदलाव किया है थोड़ा बहुत देख के बता देना ओके चल रही है नहीं चल रही है कनेक्शन लेस अनट्रस्टेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पूछा है कनेक्शन लेस पूछा है और अनट्रस्टेड प्रोटोकॉल पूछा है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल अनट्रस्टेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल पूछा है भाई ठीक है तो बताइए ये कौन सा प्रोटोकॉल है अब देख लेना एक बार थोड़ा ठीक चलेगी आई थिंक चलो जी 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 कोई नहीं देखो कनेक्शन लेस पूछा है क्या पूछा है कनेक्शन लेस पूछा है और अनट्रस्टेड पूछा है अनट्रस्टेड को ये दूसरे शब्द के साथ अनरिलायबल भी लिख सकता है क्या लिख सकता है अनरिलायबल भी ये लिख सकता है अनट्रस्टेड के साथ है अनरिलायबल भी ये लिख सकता है प्रणाम भाई प्रणाम सभी को ठीक है ना अभी भी किसी की वीडियो अटक रही है तो बता देना ठीक है थोड़ा और जुगाड़ करेंगे फिर ठीक है ना तो ये कौन सा होता है ये होता है यू डी पी कौन सा होता है यू डी पी होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है क्या होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है वही यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है तो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल का बिल्कुल उल्टा कौन सा प्रोटोकॉल है टीसीपी टीसीपी क्या है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल Transmission control protocol क्या है Connection oriented है आपका? और, और ट्रस्टेड है प्रणाम भाई सभी को प्रणाम चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर अगेंस्ट अनऑथोराइज एक्सेस कौन सा सॉफ्टवेयर जो है अनऑथोराइज़्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को इसके खिलाफ़ एक्सेस करने के लिए अनऑथोराइज़ कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है तो बताइए भाई क्या प्रयोग किया जाता है बताओ फटाफट जल्दी मैं थोड़ा सा और बदलाव कर देता हूँ इसके अंदर ताकि वीडियो जो है वो आसानी से चलती रहे ज़्यादा ही हाई क्वालिटी होगी कुछ आज थोड़ा क्वालिटी में फर्क कर देते हैं हाँ अब मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ओके है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ओके है भाई बिल्कुल ओके है गुड इवनिंग भाई ग्राम सचिव गुड इवनिंग बिल्कुल सही बात है एंटी वायरस एंटी वायरस होता है वायरस को एंट्री करने से रोकता है ठीक है ना फायर वाइज्ड एक्सेस को रोकता है अनऑथोराइज एक्सेस को रोकता है मेलवेयर होता है मेलीसियस प्रोग्राम क्या होता है मेलीशियस प्रोग्राम होता है मेलवेयर मेलिशियस प्रोग्राम ठीक है ना ठीक है मलिशियस प्रोग्राम होता है ठीक है तो राइट right आंसर क्या होगा राइट right आंसर होगा फायर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ अगला क्वेश्चन है दूसरों को ईमेल भेजना महत्वपूर्ण जानकारी चोरी करने के लिए जैसे कि यूज़र नेम चोरी करना हो पासवर्ड चोरी करना हो इत्यादि इत्यादि तो क्या होता है ठीक है क्या होता है भाई सीटी के लिए मैराथन सारा कुछ हो जाएगा भाई अभी तो बहुत टाइम पड़ा है सीटी में सारा कुछ करेंगे चिंता ना करो देखो यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह चोरी करने के लिए डिटेल चेक करने के लिए क्या होता है उसको बोलते हैं फिशिंग क्या बोलते हैं फिशिंग बोलते हैं भाई क्या बोलते हैं फिशिंग बोलते हैं ये है आपका ट्रोजन ये आपका क्या है ये आपका ट्रोजन है जो मास्क पहन के वार करता है मास्क्यूरेड होता है मास्क पहन के वार करता है ये इससे समझ लेना यानी कि दूसरे की आइडेंटिटी से हमला करता है और ये भी क्लिक जैकिंग भी कुछ इसी प्रकार का होता है ठीक है ना नेक्स्ट आ जाओ विच पेरीफेरल पोर्ट प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट थ्रो पुट टू द लेजर प्रिंटर कौन सा पोर्ट पेरीफेरल पोर्ट प्रोवाइड करता है फास्टेस्ट थ्रोपुट टू लेजर प्रिंटर सबसे पहले तो पेरीफेरल होता क्या है पेरीफेरल क्या होता है भाई पेरीफेरल जो होती हैं डिवाइस वो कौन सी डिवाइस होती हैं जो मेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होती क्या नहीं होती मेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होती बात समझ में आई भाई मेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होती भाई वो डिवाइस क्या होती हैं आपकी पेरीफेरल डिवाइस होती हैं मेन सिस्टम में क्या क्या आ गया सीपीयू आ गया बिल्कुल आ गया मेमोरी आ गई बिल्कुल आ गई मदरबोर्ड आ गया बिल्कुल आ गया ये मेन सिस्टम का हिस्सा होते हैं इसके अलावा बाकी चीज़ें मेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं तो बाकी सारी पेरीफेरल डिवाइस होती हैं ठीक है ना प्रिंटर बॉड यानी कि ये पूछ रहा है प्रिंटर ये पूछ रहा है लेज़र प्रिंटर के बारे में पूछ रहा है किसके बारे में पूछ रहा है लेज़र प्रिंटर के बारे में तो एस सी एस आई क्या है आपका स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस एस सी एस आई क्या है आपका स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस एस सी एस आई है भाई स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस ये तो यूज़ किया जाता है आपका सी डी डी वी डी सी डी को अटैच करने के लिए डी वी डी को अटैच करने के लिए एच डी डी को अटैच करने के लिए एस सी एस आई पोर्ट भाई आपका ये आपका क्या होता है सेवन डिवाइसेस तक डीजी चेन के फैशन में डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है सेवन डिवाइसेस और डीजी चेन के फैशन में डेटा ट्रांसमिट कर सकता है सीरियल पोर्ट सीरियल पोर्ट ही आपका आर एस टू थर्टी टू है सीरियल पोर्ट ही आपका आर एस टू थर्टी टू है रही बात प्रिंटर पोर्ट की प्रिंटर पोर्ट को ही पैरेलल पोर्ट कहा जाता है पैरेलल को ही क्या कहा जाता है इसे ही प्रिंटर पोर्ट कहा जाता है क्या कहा जाता है इसे प्रिंटर पोर्ट कहा जाता है भाई पैरेलल पोर्ट को ही क्या कहा जाता है प्रिंटर पोर्ट कहा जाता है बात समझ में इस भी को तो प्रिंटर पोर्ट यानी कि पैरेलल पोर्ट इज राइट आंसर प्रिंटर पोर्ट का दूसरा नाम क्या है पैरेलल पोर्ट प्रिंटर पोर्ट का दूसरा नाम है भाई चलिए निम्ल्थ में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक मूल रूप है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेल रूप, मूल रूप कौन सा है भाई ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूल रूप इनमें से कौन सा है जल्दी आंसर किया करो फटाफट फटाफट आंसर फटा किया करें भाई बताएं भाई बताएं 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 बताएं, बताएं। बताओ विंडोज होता है विंडोज जो है विंडोज ये किनका है विंडोज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है किसका है ये ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट वालों का ठीक है ना यूनिक्स जो है ये सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना था जो मल्टी प्रोग्रामिंग को लिए हुए था टाइम शेयरिंग को लिए हुए था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल वालों का है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है एप्पल वालों का है एम एस डोज यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये किसका है ये भी माइक्रोसॉफ्ट वालों का है कह कि मूल रूप कौन सा है तो मूल रूप तो एम एस डोज है कौन सा है एम एस डोज है भाई एम एस डोज इज राइट आंसर अगला क्वेश्चन आ जाओ एक्सपेंशन कार्ड आर इंसर्टेड इनटू डैश इन द कंप्यूटर एक्सपेंशन कार्ड जो होता है वो कंप्यूटर में कहाँ पर लगाया जाता है पेरिफेरल डिवाइस में लगाया जाता है नन ऑफ दीज हार्ड डिस्क ऑफ सी पी यू स्लोट ऑफ सी पी यू यहाँ स्लोट ऑफ सी पी यू के बजाय स्लोट ऑफ सिस्टम यूनिट आना चाहिए क्या आना चाहिए सिस्टम यूनिट्स आना चाहिए स्लोट ऑफ सिस्टम यूनिट तो यही राइट आंसर बन जाएगा सिस्टम यूनिट में जो स्लोट होते हैं वहाँ पर लगाया जाता है आपका एक्सपेंशन कार्ड क्या लगाया जाता है आपका एक्सपेंशन कार्ड लगाया जाता है चलिए अगला क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इजे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है किस प्रकार के टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है क्या बोलते हैं इसको सॉफ्टवेयर होता है किस प्रकार का टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का टाइप है भाई बताओ जल्दी किस प्रकार का टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम है इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर है भाई ठीक है ना और सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज प्रोसेसर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक अलग सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक अलग सॉफ्टवेयर होता है भाई ठीक है ना जी हिसार की धरती से परिणाम प्रणाम अगला क्वेश्चन आ जाओ सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट इज ऑल्सो नॉन एज सर्वर साइड की जो जावा स्क्रिप्ट होती है वो ये भी कहलाती है लाइव लाइव वायर लाइव वायर क्वेरी बस और स्क्रिप्ट लाइव वायर कहलाती है क्वेरी कहलाती है बस कहलाती है या स्क्रिप्ट कहलाती है क्या कहलाती है भाई तो क्या कहलाती है लाइव वायर जावा स्क्रिप्ट लाइव वायर जावा स्क्रिप्ट कहलाती है क्या कहलाती है लाइव वायर जावा स्क्रिप्ट कहलाती है भाई बात समझ में आई क्या कहलाती है लाइव वायर जावा स्क्रिप्ट कहलाती है चलिए सी शार्प सी हैश नहीं बोलते है, इसको C# शार्प बोला जाता है एस एच आर पी शार्प लैंग्वेज है और विजुअल बेसिक में कंपाइलर जो है कन्वर्ट करता है कोड को स्पेसिफिक लैंग्वेज में कौन से उसमें कौन से इंटरफेस की सहायता से कन्वर्ट करता है भाई बताओ कौन से उसके इंटरफेस की सहायता से कन्वर्ट करता है एम आई एस एल एम एस एस एल एम एस आई एल और एन एम एस एल कौन से, से कन्वर्ट करता है बताओ आज कहाँ चले गए सारे के सारे मन ही नहीं कर रहा सीटी इतना नजदीक है वो आपका मन नहीं कर रहा कमाल कर रहे हो आज कहाँ चले गए सारे के सारे भाई आज कोई दूस कहा गायब हो गए सबके सब मन नहीं कर रहा क्या पढ़ने का पढ़ने का मन नहीं कर रहा एक सेकंड भाई कमेंट आपके आज क्वेश्चन हार्ड है क्वेश्चन हार्ड किसने कर दिया आज क्वेश्चन हार्ड कहाँ से आ गए क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है यार क्वेश्चन तो हार्ड है ही नहीं है ना माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज एम एस आई एल और ये एच एस एस सी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये एच एस एस सी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई दिल्ली पुलिस का पेपर है कौन से कौन से क्वेश्चन आएंगे कौन से कौन से क्वेश्चन कह रहे हैं कौन से टॉपिक आएंगे कौन से कौन से टॉपिक आएंगे सी पक्का होगा भाई श्योर है सी होगा सी तो आ चुका होगा नहीं ना सी तो बस ये समझो आ चुका है सीटी तो आ चुका है अब आपकी देरी है है ना भाई जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है दिल्ली पुलिस के अंदर दिल्ली पुलिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सबसे ज्यादा पूछा जा रहा जिस Excel, Excel. है जिसमें एक्सेल सबसे ज्यादा पूछा एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये कह है ऑपरेटिंग सिस्टम में ए यूजर वुड क्रिएट द टास्क एंड हैंड इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर इन द फॉर्म ऑफ पंच लाइक डिवाइस कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा होता था कि यूजर कार्ड को तैयार करके पंच कार्ड के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम को देता था कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा होता था भाई कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में होता था तो कौन से में होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में होता था यह काम किस में होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यह काम होता था ठीक है ना पंच कार्ड के रूप में डेटा पंच होता था ठीक है हाँ एम एस ऑफिस के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई सबसे ज्यादा चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है प्रोग्राम है हार्डवेयर है मेमोरी चिप है या रैम है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है क्या बताओ भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है क्या एक्चुअल में प्रोग्राम है कोई हार्डवेयर है क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम यूट्यूब पीछे चल रहा है मेरे ख्याल से आपके कमेंट बहुत मेरे को बहुत लेट दिखाई दे रहे हैं आज पता नहीं क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एक प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एक प्रोग्राम है ध्यान रखना ठीक है न सेट ऑफ प्रोग्राम कर लीजिए सेट ऑफ प्रोग्राम कर लीजिए या प्रोग्राम भी कह सकते हो आप इसे ठीक है ना एक लड़के का डाउट था ये कह रहा है कि सर प्रोग्राम दिया था ऑप्शन में कि सॉफ्टवेयर नहीं दिया था तो सॉफ्टवेयर क्या होता है सॉफ्टवेयर भी तो प्रोग्राम ही होता है ठीक है ना सॉफ्टवेयर भी क्या होता है प्रोग्राम ही होता है तो प्रोग्राम इज द राइट आंसर चलिए इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है मेमोरी मैनेजमेंट लिमिटेड ट्रैकिंग ऑफ डिवाइसेस इंटरप्रिटेशन कमांड इंटरप्रिटेशन और नेटवर्क मैनेजमेंट कौन सा इनमें से नहीं है लिमिटेड ट्रैकिंग ऑफ डिवाइसेस कमेंट स्पीड हाई कर लो हाई है भाई कमेंट स्पीड तो तो कौन सा नहीं है नेटवर्क मैनेजमेंट नहीं है मेन तो नेटवर्क मैनेजमेंट नहीं है लेकिन इसमें यह भी नहीं है इससे पहले यह आता है इससे पहले यह आ जाता है सीमित ट्रैकिंग वाला डिवाइसिस की लिमिटेड ट्रैकिंग जो है ये बिल्कुल भी नहीं होता लिमिटेड ट्रैकिंग का क्या मतलब है कोई मतलब भी नहीं बनता है ठीक है ना अगर ये ऑप्शन में ना हो इसकी जगह प्रोसेसिंग मैनेजमेंट हो तो फिर संचार प्रबंधन बन जाएगा और ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा सीपीयू का, का काम नहीं है हालांकि सीपीयू तो चार पांच काम करता है लेकिन प्रायोरिटी पर कौन सा काम होता है वो थोड़ा दिक्कत आ जाती है समझने में ठीक है ना आज बफरिंग है सर थोड़ी ऐसा तो नहीं है अभी तो अब कुछ ओके है आई थिंक सर छह नवंबर को तो एस एस सी का भी पर छह नवंबर का एस एस सी का कोई नहीं साथ ना कर देंगे फिर वट इज मिंट बाई ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है कंप्यूटर में सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन नीचे लिखे गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए माउस है कीबोर्ड है सिस्टम सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है माउस है या कीबोर्ड है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर है ठीक है ना क्लियर हुई बात माउस नहीं है कीबोर्ड नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम अरे रे ए क्यों कह रहे हो वह सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की सुरक्षा उसका विश्लेषण और यूजर कॉन्फ़िगरेशन करने में मदद करता है उसे खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की सुरक्षा करता है उसका विश्लेषण करता है और यूजर कॉन्फ़िगरेशन करने में मदद भी करता है उसे खालिस्तान का ना कहा जाता है खालिस्तान के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ध्यान रखना जहां बात आएगी मदद की जहां किसकी बात आएगी मदद की बात आएगी तो हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर टिक करेंगे किस पर टिक करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर टिक करेंगे जहां भी मदद की बात आएगी किस चीज़ की बात आएगी मदद की बात आएगी तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर टिक हम करेंगे भाई ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना क्या हो जाता है आसान हो जाता है सर एम एस एक्सएल भी आएगा क्या दिल्ली पुलिस में आएगा एम एस ही पूजा जी पूछा ही एम एस एक्सएल जा रहा है आप कहाँ सोए थे अभी तक पूछा ही एम एस एक्सएल जा रहा है ठीक है ना तो आप कहाँ सोए पड़े थे अभी तक हाँ जी चलिए एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को इजी बनाता है इजी का मतलब हेल्प करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प करता है भाई ठीक है ना जो कंप्यूटर का प्रयोग को क्या कर देता है आसान बना देता है ठीक है ना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक एरर जो प्रोग्राम में आता है जो प्रोड्यूस करता है रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट रिजल्ट गलत और इनअप्रोप्रिएट रिजल्ट डालता है वो क्या कहलाता है बग कहलाता है बाइट कहलाता है एट्रीब्यूट कहलाता है यूनिट प्रॉब्लम कहलाता है ये क्वेश्चन तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन का तो आंसर आप बता सकते हो कि क्या आंसर होने वाला है बिल्कुल सही बात उसका ये नहीं होगा जो आप ये दे रहे थे आंसर उसका ये नहीं होगा जो आंसर मैं दे रहा हूँ वो आंसर जो है सही है कौन से क्वेश्चन का कह रहे हो पिछले क्वेश्चन का ए नहीं होगा इसका ए इसका ए क्यों होगा कंप्यूटर ही तब बनता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज़ करने को कह रहा है ना तो इसका राइट right आंसर होगा बग क्या होगा बग होगा भाई क्या होगा बग और बग को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है कमेंट करके बताओ दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दूर करने की प्रक्रिया को डी बगिंग कहा जाता है क्या कहा जाता है डी बगिंग कहा जाता है बात समझ में ए, क्या कहा जाता है डी बगिंग कहा जाता है भाई ठीक है ना सी में कंप्यूटर कितने नंबर का होगा जी भाई किसी तीन बेरा कितना का होगा कैबरा दस का होगा कैबे एक भी नहीं आवा है केवल दस नंबर का दे दें बता के है उनका। either, जो हर है, का वो क्या कहलाता है हर कॉम्पोनेंट है कंप्यूटर का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कहलाता है सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस कहलाता है क्या कहलाता है बताइए क्या कहलाता है भाई जी बंसी भी बता रहे हैं भाई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कहलाता है क्या कहलाता है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कहलाता है भाई चलिए इन विच डायरेक्शन कैन द कंप्यूटर पोर्ट रिसीव डेटा कौन सी डायरेक्शन में कंप्यूटर का पोर्ट जो है डेटा रिसीव कर सकता है इनपुट डायरेक्शन में दोनों दिशाओं में आउटपुट डायरेक्शन में या इनमें से कोई नहीं तो दोनों दिशाओं में जो है कंप्यूटर का पोर्ट डेटा रिसीव कर सकता है यानी कि अगर यू है तो देखो दोनों पोर्ट दोनों साइड डेटा रिसीव कर सकता है इधर से भी और इधर से भी लेकिन अगर यू एस बी पोर्ट की मान ना माने तो बाकी पोर्ट जो होते हैं कंप्यूटर के वो यूनी डायरेक्शनल होते हैं जैसे माउस का पोर्ट हो गया माउस से डेटा कंप्यूटर में ही जाता है कंप्यूटर से डेटा वापस माउस में नहीं आता ऐसे ही कीबोर्ड का डेटा है कीबोर्ड का डेटा कंप्यूटर में जाता है कंप्यूटर का डाटा कीबोर्ड में नहीं आता ये यूनी डायरेक्शनल हैं यानी कि एक दिशा में काम करते हैं अगर यू एस बी की माने तो दोनों दिशाओं में काम है। करते हैं यूएस बी के माने तो भाई ठीक है, है ना क्लियर हुई बात कॉम्पोनेंट पूछा था एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर हर कॉम्पोनेंट जो कंप्यूटर के बात तो या तो सॉफ्टवेयर हो सकते हैं या हार्डवेयर हो सकते हैं एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं सॉफ्टवेयर भी तो हो सकता है ना फिर प्रत्येक कंपोनेंट या तो हो सकता है या यह हो सकता है ये तो हार्डवेयर हो सकते हैं सॉफ्टवेयर हो सकते हैं ठीक है हार्डवेयर में सारा कुछ आ गया सॉफ्टवेयर में भी सारा कुछ आ गया ठीक था ना चलो हार्डवेयर में आ गया ना इनपुट आउटपुट डिवाइस तेरी सारी कुछ सारा कुछ उसी में आ गया चलिए अगला क्वेश्चन आ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग वेरियस कमांड और सिग्नल फ्रॉम वन कॉम्पोनेट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कह रहा है कि कौन सा इनमें से बहुत सारे कमांड और सिग्नल एक कंपोनेंट से कंप्यूटर सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट तक भेजता है ये शायद मैंने आपको फेसबुक पे भी क्वेश्चन दिया था ये क्वेश्चन मैंने आपको फेसबुक पर भी दिया था और किसी का भी आंसर जो है इसमें से सही नहीं था किसी का भी आंसर सही नहीं था भाई ठीक है ना किसी का भी आंसर जो है सही नहीं था इस क्वेश्चन का आंसर करो अब आपका आंसर देख लेता हूं मैं जो भी जुड़े हो कि आप इनमें से कौन सा आंसर सही करते हो देखते हैं देखते हैं आप इसमें से कौन सा आंसर सही करते हो भाई आपके आंसर चेक कर रहा हूं मैं ग्राम सचिव पहले ग्राम सचिव लिख दिया भाई आपने तो ए कर कौन सा वेरियस कमांड भेजता है या कह लीजिए कि सिग्नल भेजता है एक जगह से दूसरी जगह पर कौन भेजता है एड्रेस बस तो एड्रेस भेजेगी डेटा बस डेटा भेजेगी कंट्रोल बस सिग्नल भेजेगी सिग्नल जनरेट करेगी कंट्रोल बस जो है वो सिग्नल भेजने का काम करती है ठीक है ना क्लियर है बात बिल्कुल राइट आंसर चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरीफेरल डिवाइस इनमें से कौन सी एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है इसमें सी ऑप्शन है कीबोर्ड सी ऑप्शन है इसमें कीबोर्ड सी ऑप्शन है कीबोर्ड तो कौन सी पेरीफेरल डिवाइस नहीं है कौन कौन सा टॉपिक आएगा जी दिल्ली पुलिस में भाई बोल तो दिया आपको एमएस आएगा और इंटरनेट आएगा दो चीज जरूर कर लो इंटरनेट में, तो कर लो और में कर लो। ठीक है ना दो चीजें कर लो दोनों बहुत जरूरी है। ठीक है तो इनमें से कौन सा नोट ए पेरीफेरल पूछा है पेरीफेरल नहीं है कौन सा नहीं है तो सीपीयू जो होता है वो पेरीफेरल नहीं होता है क्या नहीं होता है सी पी परिफेरल नहीं होता है चलिए आगे बढ़ते हैं एस सी एस आई का क्या अर्थ है एस सी एस आई का क्या अर्थ है भाई ये तो पाँच चार बार पूछा जा चुका है एच एस एस सी के अंदर एच एस एस सी के अंदर पाँच से छह बार पूछा जा चुका है फाइव टू सिक्स टाइम इट है बताओ स्मॉल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं होगा स्टैंडर्ड नहीं होगा स्टोरेज नहीं होगा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होगा तो इनमें से तो कोई नहीं है इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई ऐसा वाक्य नहीं है जो सही है चलिए आगे बढ़ते हैं संगीत वाद्य यंत्रों को एक विशेष प्रकार के पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है संगीत वाद्य यंत्रों को कौन से पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है संगीत वाद्य यंत्रों को कौन से पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है बस के माध्यम से जोड़ा जाता है या यूएसबी के माध्यम से जोड़ा जाता है या सीपीयू के माध्यम से जोड़ा जाता है या एमआईडीआई के माध्यम से जोड़ा जाता है तो एम आई डी आई क्या होता है एम आई डी आई होता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है भाई क्लियर हुई बात सभी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इज़ द राइट आंसर एम आई डी आई मिडी जो कि एक इनपुट डिवाइस भी है हार्डवेयर क्या है कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का बाहरी प्रिंटर है कंप्यूटर की भौतिक संरचना उत्तर उत्तर का क्या, क्या मतलब है कंप्यूटर की भौतिक संरचना है और कीबोर्ड है क्या है कंप्यूटर का क्या है हार्डवेयर भाई हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का कंप्यूटर की भौतिक संरचना है क्या है भौतिक संरचना है बी इज राइट आंसर ठीक है ना बी यानी कि सी हाँ बी यानी कि सी बिल्कुल सही है हार्डवेयर है हार्डवेयर क्या है हार्डवेयर जो है वो क्या है हार्डवेयर क्या है हाँ जी हार्डवेयर क्या होता है तो हार्डवेयर होता है मूर्त हार्डवेयर क्या होता है मूर्त होता है यानी कि टेंजिबल होता है यानि क्या होता है टेंजिबल होता है ये एन सी ई आर टी का क्वेश्चन है एन सी ई आर टी का क्या है ये ये क्वेश्चन है एन सी ई आर टी का ठीक है ना एन सी आर टी का क्वेश्चन है भाई ठीक चलिए ये बड़ा ही जुगाड़ा लिख रखे भाई पोर्ट का इस पोर्ट का उपयोग डिजिटल कैम कोडर चलो डिजिटल कैम कोडर बाहरी हार्ड ड्राइव और अन्य डिवाइस हेड को जोड़ने के लिए किया जाता है जो उच्च स्थानांतरण दरों के लाभ उठा सकते हैं इसका उपयोग फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए दो कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है तो कौन सा पोर्ट है भाई वो तो वो कौन सा पोर्ट है मूर्त मीन्स टेंजिबल टेंजिबल मीन्स जिसको टच किया जा सकता है ठीक है ना जिसको टच किया जा सकता है तो वो पोर्ट है आपका फायर वायर पोर्ट कौन सा पोर्ट है फायर वायर पोर्ट है भाई फायर वायर जो आपका फायर वायर पोर्ट है फायर वायर पोर्ट जो होता है इसकी जो स्पीड होती है वो होती है चार सौ से आठ सौ एम बी पी एस कितनी होती है चार सौ से आठ सौ एम बी पी एस इसकी स्पीड होती है आठ सौ एम बी पी एस जो है इसकी स्पीड होती है चार सौ से आठ सौ एम बी पी एस इसकी स्पीड होती है ठीक है ना? चार सौ से आठ सौ एम बी पी एस भाई ठीक है नहीं? हाँ जी मैंने नहीं पढ़ दिया भाई कोई बात ना पढ़ दिया बड़ा जार क्वेश्चन है चलिए यूएसबी को संदर्भित करता है USB को संदर्भित करता है ये कह रहे हैं साइड बिजनेस चल रहा अच्छे से क्या बिजनेस चल रहा भाई अच्छा एक आया हो भाई कर रोशनी सितारों चांद से होती है सितारों से नहीं रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं अरे वाह तो करो बड़े ही ज़बरदस्त बेचा है रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं मेरी किस्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था मेरा जोक मेरी मर्जी बताओ कोई बात है ऐसे ऐसे भी मैसेज करते हैं भाई हद धो के चलो क्या रहा है यूएसबी को संदर्भित करता है क्या करता है यूएसबी को संदर्भित यूएसबी क्या है यूएसबी क्या है एक प्रकार का पोर्ट है मैंने क्या कहा था आपका एक प्रकार का क्या है ये पोर्ट है भाई एक प्रकार का क्या है पोर्ट है भाई एक प्रकार का पोर्ट है ठीक है ना एक प्रकार का पोर्ट है भाई <laughs> चलिए कंप्यूटर में पोर्ट का क्या उद्देश्य है कंप्यूटर में पोर्ट का क्या उद्देश्य है अच्छा पूरा ग्राम सचिव ने कर दिया अच्छा भाई पोर्ट का क्या उद्देश्य है पोर्ट का बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए कंप्यूटर से, ज... से जोड़ा जा सकता है बाहरी उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है ऐसे होना चाहिए था वैसे देखा जाए तो बाहरी उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कंप्यूटर से जोड़ा जाता है बाहरी उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है भाई ठीक है ना ठीक है चलिए में से किस पोर्ट का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेज गति से स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है गति तेज है भाई देखियो संभाल स्पीड ये है पी एस टू ये है आपका वी जी ए और ये है आपका यू एस बी ये आपका फायर वायर फायर वायर तो कौन सा प्रयोग किया जाता है हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन विच ऑफ दूस टू ट्रांसफर हाँ जी हाँ जी ऑप्शन नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल तो हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन कौन सा है इनमें से जल्दी जल्दी फटाफट उत्तर करके बताओ अरे और उत्तर और प्रश्न जल्दी जल्दी क्या करो फायर वायर फ्लावर नहीं फायर ठीक है ना फ्लावर नहीं फायर चलिए एक कंप्यूटर कीबोर्ड का एक प्रकार नहीं हो सकता कंप्यूटर कीबोर्ड का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं हो सकता एच एस एस सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एच एस एस सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई इनमें से कौन सा प्रकार नहीं हो सकता हम्म बिल्कुल भाई बिल्कुल कंप्यूटर का कीबोर्ड का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है तो कौन सा नहीं हो सकता यूएसबी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है पी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है फाइव पिनडिन हो सकता है बिल्कुल हो सकता है सिक्स पिनडिन हो सकता है बिल्कुल हो सकता है थ्री पिन डे हो सकता है बिल्कुल हो सकता है सीरियल पोर्ट हो सकता है बिल्कुल हो सकता है ये सारे के सारे कीबोर्ड के पोर्ट हो सकते हैं ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये नहीं हो सकता वन पिन डिन नहीं हो सकता पिन पिन डिन नहीं हो सकता पिन नहीं हो सकता ये भी कीबोर्ड का टाइप हो सकता है ये भी हो सकता है छ वाला तीन वाला सीरियल वाला पी एस टू यूएस बी सब हो सकते हैं लेकिन वन वाला नहीं हो सकता याद रखिए इस बात ने आगे आ गया, गया। निम्न में से किस घटक का उपयोग ऑडियो वीडियो को इंटरफेस करने असंपीड़ित यानी कि अनकंप्रेस्ड वीडियो डेटा को स्थानांतरित करने डिजिटल ऑडियो डेटा को कंप्रेस्ड या अनकंप्रेस्ड करने के लिए किया जाता है बताओ भाई क्या किया जाता है हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल भाकर बिल्कुल तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज्ड टू इंटरफेस ऑडियो वीडियो ट्रांसफर अनकंप्रेस्ड वीडियो डेटा एंड कंप्रेस्ड अनकंप्रेस्ड डिजिटल ऑडियो डेटा वीडियो डेटा को कंप्रेस्ड और ऑडियो डेटा को कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड भेज सकता है कौन भेज सकता है एचडीएमआई हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है क्या फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है भाई हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इज द राइट आंसर क्लियर है बात सारे ना चलो विच ऑफ नॉट ए कंप्यूटर पेरी फेरल ले भाई इससे आसान क्वेश्चन ना हार्डवेयर का नहीं होगा हार्डवेयर में इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलना देखता हूं ये आंसर मैं मॉनिटर कर रहा हूँ बैठ के कौन किस कौन कौन सही दे पाएंगे अरे नकम्यो जल्दी जो आंसर इतने तो जितने लाइव है इतने तो मैं माचर खा गया जितने मैं है, तो मैं लाइव आ रहे उतने तो मैंने माचर खा लिए होंगे बताओ हो। जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट से भी पहले बज का दस मिनट होगी देख लो तारा आंसर नहीं आया अब हम्म अरे ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था भाई मदरबोर्ड मदरबोर्ड बिल्कुल राइट आंसर मदरबोर्ड

ये जो बाहर से जुड़ते हैं वो सारी सारी पेरेफिल डिवाइस होती हैं ठीक है ना क्लियर है चलिए सीमोस चिप में संग्रहित नहीं होता सीमोस चिप में कौन सी जानकारी संग्रहित नहीं होती चिप में कौन सी जानकारी संग्रहित नहीं होती क्या चीज स्टोर नहीं होती भाई सीमोस चिप के अंदर बताओ नहीं आती थी बढ़ने लग गई अच्छे जी तो सिप में कौन सी जानकारी सेव नहीं होती बताइए कौन सी जानकारी सेव नहीं होती ये भी क्वेश्चन बड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन है भाई अच्छी लगती है अच्छे जी दाग अच्छे हैं इसका मतलब है ना सर्फ एक्सल दाग अच्छे हैं ना तो देखो हाँ बिल्कुल राइट आंसर प्रिंटर कन्फिग्रेशन इसके अंदर सेव नहीं होती भाई प्रिंटर कन्फिग्रेशन सेव नहीं होती क्या नहीं सेव होती प्रिंटर कन्फिग्रेशन सेव नहीं होती भाई बात समझ में आई सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज कॉमनली रेफर टू एज ए फायर वायर पोर्ट फायर वायर पोर्ट का स्टैंडर्ड क्या है फायर वायर पोर्ट का फायर वायर पोर्ट का स्टैंडर्ड नंबर पूछा है स्टैंडर्ड नंबर बता दो फायर वायर पोर्ट का क्या है फायर वायर पोर्ट का स्टैंडर्ड नंबर क्या है आई ट्रिपल ई वन टू नाइन फोर आई ट्रिपल ई वन थ्री नाइन फोर आई ओ एस आई एस ओ वन टू नाइन फोर आई ट्रिपल ई वन बताइए भाई सर मेरी टाइपिंग इसी ही इसी है बी आगा इसी है बी आगा मतलब अच्छा इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या आएगा आई ट्रिपली यानी कि फायर वायर पोर्ट का स्टैंडर्ड नंबर पूछ रहा है किस चीज़ का स्टैंडर्ड नंबर पूछ रहा है फायर वायर पोर्ट का स्टैंडर्ड नंबर पूछ रहा है आई ट्रिपल वन थ्री नाइन फोर आई ट्रिपल वन थ्री नाइन फोर और आई ट्रिपल वन टू नाइन फोर किसका था वन टू एट फोर होगा वन टू एट फोर होगा बारह सौ चौरासी होगा किसका था पैरेलल पोर्ट का किसका पैरेलल पोर्ट का भाई आई ट्रिपली वन टू एट फोर ठीक है ना पैरेलल पोर्ट भाई ठीक है ना हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल वो पैरेलल पोर्ट का है I 1394, ये आई थ्री वन थ्री नाइन फोर ये फायर वायर पोर्ट का है ठीक है ना ये वन थ्री नाइन फोर ये फायर वायर पोर्ट का है ठीक है चलिए वट टाइप ऑफ केबल इज यूज बाई ड्राइव्स किस प्रकार की केबल जो है ड्राइव में यूज की जाती है बताओ 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 एक्जिटेड नहीं एक्साइटेड बिल्कुल सही बात है चलो कोई बात नहीं हो जाता है तो फ्लोपी ड्राइव में चौंतीस और 33 पिन रिबन केबल यूज़ की जाती है चौंतीस भी आ जाता है कई बार इसमें तैतीस भी आ जाता है भाई घबराना मत ठीक है ना थर्टी थ्री को देख के घबरा मत जाना डर मत जाना पीछे मत हटना चौंतीस भी आ जाता है तैतीस भी आ जाता है चलिए विच बस द फीचर अलाउस डिवाइस टू बाईपास द प्रोसेसर एंड राइट देयर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इन टू मेन मेमरी प्रोसेसर को बाईपास करने के लिए कौन सा फीचर उपलब्ध है डी एम ए है आर क्यू है बस मास्टरिंग है डेटा बस है कंट्रोल बस है ये क्या आ गया डेटा बस कंट्रोल बस ये अगले क्वेश्चन का आंसर आ गया पहले ही चलो कोई बात ना कैरा कि बाईपास करने के लिए प्रोसेसर को कौन सा ऑप्शन चूज किया जाए प्रोसेसर को बाईपास करना है तो डीएमए है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नाम ही ऐसा इसका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करेगा प्रोसेसर को नहीं डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करेगा ये प्रोसेसर तो बेचारा काम लगा हुआ किसी न किसी का ये तो काम लगा हुआ किसी का यहाँ है मेमोरी तो एक काम आया प्रोसेसर के पास जाने की बजाय यहाँ से चला गया बाईपास सीधा मेमोरी के पास क्यों प्रोसेसर तो काम लगा हुआ था भाई प्रोसेसर क्या लगा हुआ था काम लगा हुआ था इसलिए बाईपास हो गया और ये अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है इस लास्ट क्वेश्चन के आंसर के साथ आज आप अपनी अपनी डिस्ट्रिक यानी कि आप कौन सी डिस्ट्रिक से बिलोंग करते हैं वो भी कमेंट करें फेक भी कर सकते हो क्योंकि मुझे कौन सा पता है लेकिन फिर भी मैं आप पर छोड़ता हूँ कि ईमानदारी से कमेंट करेंगे तो ये लास्ट क्वेश्चन आज का नोट ए कंप्यूटर बस कौन सी कंप्यूटर बस इनमें से नहीं होती आज का लास्ट क्वेश्चन है विद योर डिस्ट्रिक्ट नेम हाँ ये सारे ही प्रीवियस ईयर हैं बिल्कुल बिल्कुल हैं ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं बिल्कुल पंजाबी मुंडर करें न्यू दिल्ली नमस्ते भाई नमस्ते संजय कैथल गोरखपुर फतेहबाद हरियाणा पिंक सिटी महेंद्रगढ़ जिंद आजाद नगर हिसार बहादुरगढ़ झज्जर अंबाला क्लॉक क्लॉक भी कोई डिस्ट्रिक्ट है अच्छा आंसर है डिस्ट्रिक्ट नहीं आंसर है क्लॉक बस केथल केथल नमस्कार जी दीप जांगड़ा डीजे जी नमस्कार दीप जी कौन सा पेपर का है जी ये नहीं पता जी पत, पेपर कौन सा है लेकिन है वीर नगरी रेवाड़ी बिल्कुल फतेहाबाद रतिया फतेहाबाद गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग मटोर कलायत तो सारे का स्वागत है भाई पंजाबी में की लिखा जी की लिखा भाई थोड़ा की है सैम सानू समझ नहीं आती पंजाबी दस दो सानू तुसी दस दो मैं था चंडीगढ़ आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ दूर से शायद दिखाई नहीं दे रहा हाँ जी हाँ जी स्वागत है सभी का कुछ ऐसा लिखा हुआ था। था चंडीगढ़ कुछ ऐसा चलो जो भी लिखा हुआ था लास्ट क्वेश्चन था इसका राइट right आंसर है क्लॉक बस नहीं होती क्या नहीं होती क्लॉक बस नहीं होती एंड थैंक यू सो मच शेयर इट विद ऑल इसको सभी के साथ शेयर कर देना पानीपत बिल्कुल बिल्कुल सही बात है हाँ हाँ कोई गल नहीं जान पूछ के लिखना तो इन्हू कोई गल नहीं जी सभी को नमस्ते राम राम जय हिंद भाई तो आज का सेशन कैसा लगा यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना ठीक थैंक यू सो मच